खुशी का दिन कि हमारे नेता राहुल गांधी ने बहुत परेशानी और बहुत तकलीफें उठाई हैं। सिर्फ एक वाहिद वही एक शख्स था जो अपने जनता के लिए, अपने समाज के लिए, अपने गरीब भाइयों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए जो बोला है वो सिर्फ अकेला वही एक शख्स है जो बोलता रहा है। और मैं समझता हूँ कि शायद ये सजा जो है उसी की वजह से ही उनको मिली है। 2 साल की सजा इन मामलों में, इस केस में मैं नहीं समझता कि कभी किसी को हुई है। बहुत हुई है तो साल भर की, 6 महीने की, या दंड दे के छोड़ दिया गया। चूँकि वो कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के लीडर होने के नाते अपोजिशन के खिलाफ बोलते थे, उससे विपक्ष परेशान हो गया। और परेशान होने के बाद मैं सोचा कि किस तरह इस आदमी का मुंह बंद किया जाए। देखिए, जो पार्लियामेंट में बोला जाता है वो सब और रिकॉर्ड होता है, एक एक चीज़ रिकॉर्ड होती है। सड़क पे आप कुछ भी बोल लो वो इतने मायने नहीं रखती। जो पार्लियामेंट में बोला जाता है वो हर चीज़ रिकॉर्ड में आती है, और वो रिकॉर्ड खाली हिंदुस्तान ही नहीं देखता है, वो रिकॉर्ड पूरी दुनिया के मुल्क देखते हैं। तो हमारी छवि एक तो वैसी दुनिया में बहुत ख़राब है, बाहर के लोग कटाक्ष कर रहे हैं इंडिया के ऊपर, तरह तरह की बातें जो है आती है, उनके पार्लियामेंट में हमारे यहाँ की चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन हमारे 70 करोड़ लोग कानों में तेल डाले बैठे हैं, आंखें बंद कर ली हैं। कहते हैं ओल्ड इज लोई तो क्या करेगा कोई। तो आज का दिन बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मैं सुप्रीम कोर्ट को उनकी ईमानदारी के फैसले से उनको भी बधाई देता हूँ, क्योंकि जो हम लोग राहुल गांधी जी के साथ नीचे से ऊपर तक ज्यादतियाँ हुई उनकी बात को सुना नहीं गया। अगर जो बहस हुई थी उनको सुन लेते तो मैं नहीं समझता था कि कोई भी जज जो है इस तरीके के जो है जैसे फैसले हुए हैं वो फैसले हुए हैं। तो आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुक्रिया। इसी क्रम को आगे बढ़ता हूँ कि हम लोगों को कांग्रेस पार्टी के बारे में बताएं। राहुल जी जिस तरह से जीत कर आए हैं, हमारी कांग्रेसियों की जीत हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने तो निर्णय दिया ही है, हम लोग इस खुशी को इजहार नहीं कर सकते कि कितनी ज़्यादा खुशी हुई है। तो इसी क्रम में मैं अपने अध्यक्ष जी से गुजारिश करूंगा कि वो अपने खूबसूरत ख्यालातों से हमें नवाजें। जनाब अजय शुक्ला साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी सभा के संचालन कर रहे हमारे डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे 3 बजे मैंने आप लोगों को कहा, 2:20 पे शायद ये इनका वो आया निर्णय, और उसके बाद फिर मैंने अपने लोगों से कहा कि मैं सब लोग आऊँ। मैं बहुत खुश हूँ कांग्रेस के लोग, आप सिपाही, आप लोग एक आवाज़ में यहाँ पर 1 घंटे में आए इकट्ठे हुए, आप लोग को नमन, और आप लोग आए बहुत बड़ा मेला। मैं बताना चाहता हूँ कि राहुल गांधी पे जो ये केस हुआ और केस होने के बाद जिस तरीके से जो निर्णय आया ये अभूतपूर्व है। इसको भारत ही नहीं देख रहा था, इसको पूरा विश्व देख रहा था। जिस तरीके से इस बीजेपी की गवर्नमेंट ने इंदिरा गांधी परिवार पे, नेहरू गांधी परिवार पे जिस तरीके से इन्होंने लांछन लगाया, उसका मुंह तोड़ जवाब आज जनता के थ्रू हमारे सुप्रीम कोर्ट को दिया। आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से कहा कि 111 दिन हमारे राहुल जी सदन से बाहर, 111 दिन 2 सेशन उन्होंने बेचारों ने नहीं देखे, मगर उन्होंने एक बात कही थी, डटे रहो, डरो मत, और मोहब्बत की दुकान वो खुद जो खोली उन्होंने, आज उसका निर्णय हमारे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने दिया। राहुल जी पे जिस तरीके से निर्णय दिया गया पूरा देश देख रहा था, पूरा विश्व देख रहा था कि आज निर्णय क्या होगा, मगर राहुल जी को उम्मीद थी ये निर्णय जो होगा वो मेरे फेवर में होगा। उसका कारण था राहुल गांधी की दूरदृष्टा की जो उनकी स्टाइल है, जब GST लगा तब राहुल जी ने कहा मोदी जी ये GST गलत लग रहा है, जब नोटबंदी हुई
तो उन्होंने कहा कि मोदी जी ये नोटबंदी गलत हो रही है, और उन्होंने ये भी कहा कि नोटबंदी का अगर फैसला लेना है तो वित्त मंत्री को लेना चाहिए, ना कि प्रधानमंत्री को लेना चाहिए। अगर कोई फैसला रक्षा का लेना है तो वो राजनाथ सिंह और उन लोगों को लेना है, ना कि मोदी जी को। और उसके बाद उन्होंने जब कहा कि कोरोना आने वाला है, कितना बड़ा उन्होंने कहा कोरोना आने वाला है, मोदी जी कोरोना को संभालिए, वो नहीं संभाल पाए। इसीलिए इन्होंने कहा हमारे राहुल जी ने कि जिस तरीके से आपकी वर्किंग है, काम करने का तरीका है, आप लोगों को डरा रहे हो, माइनॉरिटी को डरा रहे हो, वो डरने वाले नहीं है। और उन्होंने कहा डरो मत, और मोहब्बत की दुकान उन्होंने जो नफरत की जगह जो मोहब्बत की दुकान खोली उसी का अंजाम है। आज छोटे से कार्यक्रम में मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आप लोग की भावनाएं जानते हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने लड़ा और लड़ रहे हैं इस बीजेपी की गवर्नमेंट के खिलाफ। सब लोग जानते हैं कि महंगाई आज चरम पे है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, किसानों की आय दुगनी करने के बहाने उन्होंने किस तरीके से निर्णय लिए, आज उसी का फल मिला कि आज हमारे राहुल गांधी फिर धाड़ेंगे और आने वाला जो रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट पे, हम लोग धन्यवाद देते हैं। और हम लोग यहाँ से पारित करके भेजेंगे महानगर कांग्रेस कमेटी की तरफ से कि जो ये निर्णय आया है वो राहुल गांधी को मजबूती दे, और आने वाला समय 2024 राहुल गांधी का होगा, कांग्रेस का होगा, और कांग्रेस जीतेगी। जय हिंद, जय भारत।